तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई आपका फीफा वूस टीवी पे। बड़े दिनों बाद मुलाकात, नहीं मतलब बात हो रही है, मुलाकात तो नहीं हो पाई। नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को हाँ एक्चुअली। आजकल यही पॉसिबल है। तो कैसे कैसे हैं आप? क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे थे कि सबसे पहले तो हालचाल लेना जरूरी है। हाँ मैं तो ठीक हूँ यार, इट्स बिन गुड। अच्छा ही गया काल, मतलब सब लोग बोल रहे ऐसा पता नहीं क्या हो गया, पर ठीक है यार। एक पॉज था बट एज सच कुछ उतना खराब भी नहीं था, अच्छा था। घर पे थे और क्या, जितना जितना समय नहीं निकाल पा रहे थे घरों के लिए, अब ऐसा हो गया कि घर से भागो और काम करो, तो अच्छा था यार। इट वाज प्लेजेंट, इट वाज नाइस, स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, इट वाज फन। अच्छा, अगर काम की बात करें तो अभी बैक टू बैक चीजें आ रही है, ठीक है। अभी जैसे एक तो हाश की बात की मूवी, हाश दो पिक्चर्स आपकी बैक टू बैक इसमें है, एक तो हाश है और एक हिंदुत्व। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, फिर बाकी और डिटेल्स में बात करेंगे। ये हाँ राइट है, बिकॉज जैसे घर में सब थे, पॉज था एक, और जैसे ही थोड़ा सा चीजें नॉर्मल होने लगी और लोग काम पे वापस जाने लगे, सो आशु त्रिखा जो हर्ष के डायरेक्टर हैं, ही हैड लॉन्च मी एक्चुअली, ही वाज माय फर्स्ट डायरेक्टर एवर व्हेन आई फेस्ड द कैमरा। और बहुत सालों पहले उन्होंने जिंदगी तेरे नाम एक फिल्म बनाई थी और उसमें उन्होंने लॉन्च किया था मुझे। सिंस देन ही इज बीन अराउंड एंड ही इज बीन लाइक एन एल्डर टू मी, एंड यू नो ही इज ऑलवेज बीन देयर। मुंबई में आई डिडंट नो एनीबडी एंड आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन हु टुक मी अंडर हिज विंग्स एंड रियली मेंटोर्ड मी। सो ही जस्ट कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू, यू नो जैसे ही थोड़ा बहुत लॉकडाउन रिलीज हुआ एंड चीजें वर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, ही जस्ट कॉल्ड कि क्या कर रहा है, चल पिक्चर बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। So that's when he shared the script with me and it was a very interesting script. It's a thriller and it's an overnight thriller. So I hadn't done this before, मैंने कभी किया नहीं था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा, इट्स लाइक अ, अगर वैसे बोलूँ तो इट्स अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी, पर उसमें एक बड़ा कमाल का ट्विस्ट है। सो ही वॉन्टेड मी टू डू इट बिकॉज उनको ऐसा लगा कि तूने ऐसा किया नहीं है कभी, एंड मुझे जो चाहिए ना वो फिर इमेज के ऑपोजिट जाता है कम्प्लीटली, सो इट विल वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू डू इट। सो इसलिए हर्ष हुआ एंड देन वी फिनिश्ड हर्ष, एंड एज सून एज आई केम बैक आई गॉट अ कॉल फॉर हिंदुत्व फ्रॉम करण सर ऑफिस, उन्होंने बुलाया, उनसे बातचीत हुई। वो भी बड़े दिनों से मशक्कत कर रहे थे, अपना हीरो ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था। देन आई थिंक ही हैड ऑडिशन ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल हैड ऑडिशन, सम 300 एक्टर्स, एंड तो काफी समय से वो खोज रहे थे तो उनको भी नहीं मिल रहा था। एंड देन वी मेट, उनको किसी ने रेफरेंस दिया मेरा, उन्होंने ऑफिस बुलाया, मैं ऑफिस में मुलाकात की उनसे, तो उन्होंने नरेट की स्क्रिप्ट, और आई थिंक बाय द एंड ऑफ द मीटिंग वी बोथ वर वेरी क्लियर कि हाँ हम दोनों को साथ में काम करना है। एंड उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोली वहां पर कि आई डोंट नो, मतलब उस वक्त तो कुछ बहुत फर्स्ट मीटिंग थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता स्क्रिप्ट तुम्हें कैसी लगी या तुम्हारा क्या फीडबैक होगा या कैसे हम लोग चीजें वर्कआउट होंगी, बट मुझे जो मेरा हीरो है या जो भरत जो कैरेक्टर है उसमें उसकी आंखें मुझे बहुत ऑनेस्ट चाहिए और जो तुम्हारे अंदर है, सो यू डिसाइड क्या करना है। देन थिंग फेल इन टू प्लेस एंड वेरी वेरी स्क्रिप्ट है, कहानी हमें ऐसी चाहिए आज की, जैसा हमारा सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ऐसी कहानी हमें चाहिए, तो दीज आर दीज टू प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ। आंखों की एक बात करें तो आंखों की तो चर्चा पूरी देश में है ही है। जब आपने सिया के राम जब किया था तब से तो सब आपके दीवाने हैं ही। तो शायद वो कनेक्शन तो नहीं था, इन लोगों ने उससे तो नहीं जोड़ा आपको कि मतलब एक तो आपका, क्योंकि वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर आपने आपने जो प्ले किया था उससे शायद कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। तो उससे तो रिलेट करके शायद वहां से आपका रेफरेंस लेकर के कि ऐसा कुछ था, या कहीं से आपके कोई शो से रेफरेंस लिया इन लोगों ने कि नहीं ऐसा कुछ। नहीं आई थिंक करण सर ने तो देखा नहीं था मेरा काम उतना उसके, क्योंकि आई थिंक टेलीविजन उतना नहीं देखते हैं, बट उन पर जब वो मिले और उनको रेफर किया तब उन्होंने रिविजिट की वो चीजें, तब उन्होंने देखा जो भी ऑनलाइन अवेलेबल था मेरे बारे में। ही वेंट ऑन टू सी कपल ऑफ एपिसोड्स ऑल्सो, उन्होंने मोदी के भी कपल ऑफ एपिसोड देखे,
उन्होंने जानने के बाद वो देखा, बट आई डोंट थिंक सो कि उसके पहले वैसा भी कनेक्शन था, आई डोंट थिंक सो। अच्छा आपका अगर ग्राफ देखें तो आपने बहुत सारे सेंसिटिव कंटेंट किए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम भी बहुत सेंसिटिव है, जब अगर उस जॉनर में जाएंगे आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जब करेक्ट। मोदी जी जब किया था आपने जो वैसे, वो भी बहुत सेंसिटिव मैटर था। अभी हिंदुत्व की अगर बात करें तो एक, क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात करता हूँ मैं, कि एक लोगों का परसेप्शन, क्योंकि आप यहाँ पे चीजें पता है ना कितनी कितनी सेंसिटिव है सोसाइटी, ठीक है, तो एक परसेप्शन अलग हो जाता है। वो वैसा ही कुछ दिखाएंगे या फिर प्रॉपर हिंदुत्व होता क्या है, कैसे चीजें चलती है, ऐसा इसमें ये एक प्योरिटी होता है वो दिखाएंगे, क्या देखने मिले? जैसा देखो अभी आपने बोला ना, एग्जैक्टली वही वही बात है कि जैसे हम नाम सुनते हैं ना, हम लगता है बड़ा सेंसिटिव है, वो एक नोशन बना लिया हम लोगों ने, एक मिथ बना लिया कि अरे हिंदुत्व सुना तो अरे कंट्रोवर्सी, अरे समथिंग रेडिकल, अरे कुछ पोलराइजेशन, है ना। ऐसा है नहीं, दीज आर जस्ट पॉपुलर बनाए हुए कुछ बिलीव्स हैं उस वर्ड के अराउंड, और उसी के बारे में फिल्म। कि इतना क्यों हम ऑब्जेक्ट करने लग जाते हैं इस शब्द को। अच्छा, हम बड़े बड़ा वो है, वियर्ड सी बात है कि हिंदुइज्म बोलते हैं। हाँ, हिंदुइज्म है, हिंदुत्व नहीं है, पर हिंदुइज्म इज एन इंग्लिश टर्म फॉर हिंदुत्व, दैट्स इट। हिंदी में तो हिंदुत्व ही बोलेंगे ना भाई, उसको हिंदुइज्म मैं क्यों बोलूंगा हिंदी में और क्या बोलेंगे। वही है कि हमने टर्म्स को ना लेबल कर दिया है, और वो लेबल क्यों किया गया उसी के बारे में कहानी है। और जैसे तो आज जैसे बोला कि एक्चुअली ट्रू मीनिंग ऑफ हिंदुत्व, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, वही बस कहने की कोशिश है, और बहुत ही यंग तरीके से, ताकि आज की जनरेशन को समझ में आए। उस उनके वही उन्हीं के अराउंड कहानी है पूरी। और जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर जैसे इन टर्म्स को, इन लेबल्स को, इन सबको बहुत ही पॉलिटिसाइज करके जैसे आज का माहौल बना दिया गया है, उसके बारे में कहानी है। और एट द कोर ऑफ इट इज अ इट्स अ फ्रेंडशिप स्टोरी, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव। अच्छा, तो ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है ना कि चीजें, मतलब कि अगर आपके रास्ते में कोई आए आए तो ठीक है, समझ में आता है कि आप उसको कैसे प्यार से साइड कर सकते हैं। बट जैसे मैंने इसके पहले ही बोला था कि सोसाइटी में आजकल कैसे चीजें कि एक अलग परसेप्शन बना दिया है। सो बहुत सॉफ्ट तरीके से मैसेज देना चाहे, देखने मिलेगा इसमें सॉफ्ट का तो पता नहीं है दे रहे मुझे कि सॉफ्ट है या हार्ड है, दैट तो आई थिंक इट्स अबाउट परसेप्शन अगेन। किसी को बहुत ही छोटी सी चीज बहुत ज्यादा संजीदा लग जाती है ना। आप कुछ जैसे कि बोला, जैसे आपने बात की, सिर्फ टर्म, मतलब हिंदुत्व टर्म ही लोगों को बड़ा ऐसा लगता है, रेडिकल है, बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि हाँ हिंदुत्व है तो वो रेडिकल नहीं भी है। सो इट्स जस्ट अबाउट दैट कि जो परसेप्शन है हमारे, उन परसेप्शन के बारे में कहानी है, और उनको कहते हुए कहानी है। तो वो परसेप्शन क्यों है और क्या वो सही है या गलत है, वो आपके ऊपर है। तो वैसे उस हिसाब से इसको बनाया गया है। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम या फिर आपने स्टोरी पढ़ी थी, दोनों में से क्या चीज को देख करके आपने ये हाँ बोला इस? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, ऑलवेज द स्क्रिप्ट। मतलब वही बात है ना कि आप सेंसिटाइज पे आप बोल दो कि मुझे उस चीज को रेडिकल है टर्म और बड़ा पॉपुलर है टर्म, और उसको मुझे बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, वो आइडिया कभी नहीं होता यार। मतलब द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज द स्क्रिप्ट, इज द स्टोरी। आप क्या है, बात क्या कहना चाह रहे हो, और उस बात को कहने के लिए अगर आप कुछ मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद माई पर्सनल बिलीव और आइडियोलॉजी। इट इज अबाउट कि जो मैं चीज पोर्ट्रे कर रहा हूँ वो सोसाइटल या सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उस पर क्या इम्पैक्ट उसका जाना चाहिए, जाता है। आई भाई थिंक एक दैट इज सेकेंड, मोर आप एक इम्पोर्टेंट फॉर एक मी। सेकेंड नहीं, फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, वाह, एक मिनट, आप थोड़ा अभी फ्रीज हो रहे थे बीच में, एक हाँ सेकेंड, हाँ अभी हाँ ठीक है, अभी ठीक आप है ना। थोड़ा नेटवर्क इशू है गैस, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, अभी ठीक है सॉरी, ना। आप हाँ वही बोल रहे थे ना, हाँ, हाँ मैं अभी फिर से ठीक है। बोल देता हूँ, है ना। हाँ तो आप बोल रहे थे ना कि वही कि क्या स्टोरी आपके लिए स्क्रिप्ट मैटर करती है। हाँ, स्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट, ना कि उस चीज में कितनी कंट्रोवर्सी है। अब अगर कंट्रोवर्सी देखकर साइन करूंगा तो फिर मैं भी वही हूँ जो जिसके बारे में कहानी कह रहे हैं। सो आई हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड कि कहानी का रेलेवेंस क्या है। और हाँ, नहीं, वो सॉरी, बीच में कॉल आ रहा था। हाँ, हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ हाँ सो
कहानी का रेलेवेंस कितना है और वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट करता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि उसमें कंट्रोवर्सी क्या है। अच्छा ये तो मूवी, और साथ में इसका अनाउंस उत्तराखंड के सीएम जी ने किया था, सो ये भी बहुत जी बड़ी बात थी अपने आप में। हाँ, तो इसके मतलब बारे में कुछ कर। हाँ, हम लोग उत्तराखंड में शूट कर रहे हैं एंड इफ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स इट, आई थिंक नथिंग लाइक इट। और उन्होंने, क्योंकि उनको आई थिंक दे आर प्रमोटिंग लॉट ऑफ फिल्म्स बीइंग शॉट हियर उनको, और वो लोग काफी सारी चीजें भी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ न्यू गवर्नेंस एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हम लोग यहाँ पर आए, हमने शूट किया एंड दे आर वेरी हैप्पी टू गिव अस देयर टाइम। सो रियली इट वॉज एन ऑनर फॉर अस कि रावत जी ने अपना समय निकाला और इतना अच्छा इवेंट हमको दिया। अच्छा अभी कितना एक्सप्लोर किया, क्योंकि बीच में अभी एक सैड न्यूज भी वहां से आई थी, जो भी हुआ था इंसिडेंट बीच में। अभी माहौल कैसा है, वहां के हालात कैसे हैं, और आपने कितना एक्सप्लोर किया उत्तराखंड को? आप राफ्टिंग किया कि नहीं, रिवर राफ्टिंग? हाँ, हम शूट कर रहे हैं सब रिवर के अंदर, गंगा के अंदर, पूरा राफ्टिंग वाफ्टिंग। हाँ, क्योंकि हम लोग आए उसके अच्छा कुछ दिनों पहले ही चमोली में वो घटना हुई थी, और तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ी सी चीज कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें बंद थी, तो वो हमने फिर पोस्टपोन कर लिए आगे के लिए। पर अभी हालात एकदम नॉर्मल हैं और आई थिंक यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो ये आपदा को जो कंट्रोल करने का और फिर उसको आफ्टरमैथ को जो ठीक करने की जो चीजें हैं, आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ये लोग, और बहुत अच्छे से मैनेज हुई भी हैं। तो वेरी फास्ट दे हैड कर्टेल्ड इट ऑल्सो, और टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे से कर्टेल किया इन लोगों ने, यहाँ पे आकर हमें पता चला। सो इट वॉज वेरी नाइसली हैंडल्ड एक्चुअली द होल थिंग। और एक्सप्लोर हमने काफी किया है, हम लोग घूम घूम के कर रहे हैं पूरा शूट, तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, उसके ऊपर धनौल्टी, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड वो ऐसा नहीं कि एक जगह पर शूट हो रहा है, तो हर दिन एक नई जगह पर हम लोग शूट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा टीडियस है, थोड़ा टायरिंग भी है, क्योंकि एक दिन में हम लोग 5-6 लोकेशंस मूव कर रहे होते हैं, एंड तो तो इट्स क्वाइट हेक्टिक, बट बहुत मजा है यार। मतलब फिल्म अच्छी दिखेगी इतना पता है बस। वेदर कितना सूटेबल है? हाँ, वेदर कितना सूटेबल है वेदर वहां वेदर का? हाँ यार, वेदर अभी तक तो बहुत ही अच्छा था, और स्टार्टिंग में काफी ठंड थी, फिर धीरे धीरे कम होती थी, अभी काफी काफी प्लेजेंट है। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म होता है, बट इट्स स्टिल प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। यहाँ बहुत गर्मी है, हालत खराब है भाई। अच्छा आई नो आई नो, वही आना है अभी बस ये 15 तो दिन में। मूवीज की बात है। हाँ, हाँ आ जाओ आ जाओ। अच्छा टीवी, अगर टीवी की बात करें तो ठीक है, लास्ट आपने पृथ्वी वल्लभ किया था, सिया के राम के बाद थोड़ा सा गैप लेकर के पृथ्वी वल्लभ किया था, तो अभी क्या वापसी करने वाले हैं, या फिर कुछ सोचा है टीवी को लेकर के, या फिर आपको एक लंबी इनिंग ही खेलनी है, या फिर आपने सोच लिया है कि नहीं अभी जो करना है तो बड़े पर्दे पे ही करना है, या टीवी को क्या है? नहीं, अब टीवी जैसे आप बोला ना कि सिया के राम के बाद मैं टुक अ लॉन्ग गैप एंड देन आई डिड पृथ्वी, बिकॉज सिया के राम के बाद मैं ऑल्सो आई वाज थिंकिंग अब क्या करूं। मैं वो टाइम से ही थोड़ा उसमें चला गया था सोचने में कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जॉनर्स मैंने एक्सप्लोर कर लिए, सारे चैनल्स में मैंने काम कर लिया, सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। अब वही रन ऑफ द मिल चीजें तो मैं करना नहीं, तो पहले ही नहीं करना चाहता, तो मैंने कभी की नहीं, और अब फिर से वही चीजें करूं तो कोई फायदा नहीं। सो देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग लेफ्ट, नथिंग मोर टू एक्सप्लोर फॉर मी इंडिविजुअली, और कुछ ऐसा कहानी ऐसी नहीं थी जो मुझ में कुछ ऐड कर सके या मैं कहानी में कुछ ऐड कर सकूं, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। प्लस पिछले 3-4 साल में और जिस तरह से चीजें मूव करी हैं विद रिस्पेक्ट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू फिल्म, तो उनके चलते हुए अब अच्छी कहानियों का स्कोप बहुत बढ़ गया। और क्योंकि पहले जब जब मैं आया था इंडस्ट्री में, उस समय नए एक्टर्स, मेल एक्टर्स जो कि इंडस्ट्री से नहीं है, मतलब किसी तरह से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बाहर से आते हैं, उनके लिए ना बहुत लिमिटेड काम था फिल्मों में। हमें कोई लॉन्च नहीं करता यार, सीधी बात है, हमको काम मिलता है ना, विच इज नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट वर्क। तो हमें कोई लॉन्च तो करने वाला था नहीं, इसीलिए फिर हमें टेलीविजन, हमारे जैसे एक्टर्स को फिर टेलीविजन बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है, एक बहुत बड़ा सहारा होता है कि वहां पर आप एक्चुअली आप
लॉन्च होता है सर्वाइवल भी होता इफ है एक यू आर तरीके इफ का। हाँ तो आपको अच्छा काम मिलता है, यू गेट गुड स्कोप, यू गेट गुड मनी, सो देन यू चूज दैट पाथ एंड देन अल्टीमेटली रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि नाउ अच्छे एक्टर्स के लिए और जो कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना हो उनके लिए OTT हैज बिकम अ बूम. यू नो आप वहां पे अच्छा काम कर सकते हो, वहां पर कोई कोई बंदिश नहीं होती है कि आपको कोई पर्टिकुलर पिक्चर लेने हैं या आपको एक माउंटिंग देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता. अच्छी कहानी होती है, अच्छे एक्टर्स होते हैं, वर्क करता है तो वर्क करता है, नहीं वर्क करता तो नहीं वर्क करता है. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बी देयर. तो इसलिए टेलीविजन अभी मुझे उतना स्कोप दिख नहीं रहा है, क्या करूं अच्छा उसमें. और एनीवेज अच्छी कहानियां बनाने के लिए आए था यहाँ पे, तो अच्छी कहानियां मिल रही हैं. सो या आई थिंक सो वो ज्यादा बेटर है करना. अच्छा इसके लिए आप मायथों में ज्यादा ये बिलीव करते हैं, क्योंकि मायथों की कहानियां जो थी समवेयर वो बहुत एक तरीके सच होती चीजों को लेकर, वो ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होती है, सो इसी के लिए आप मायथों ज्यादा बिलीव करते हैं कि वॉक इन अ मायथो रादर देन ये माइथो जो है। हिस्टोरिकल्स में ना कि फायदा क्या होता है कि जो आपने बोला सही बात है, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं, अच्छे तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है. और हिस्ट्री और मिथोलॉजी वैसे भी मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो वैसे मेरे को बहुत करीब है वो कहानियां, मुझे अच्छी लगी हैं बचपन से. और शायद मैं कहीं ना कहीं उन्हें कहना चाहता हूँ, अंदर कहीं से होगा कुछ इच्छा, कनेक्ट बनता है. प्लस आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर इस चीजों का ना क्या हो गया कि मैंने जब फर्स्ट शो किया था अपना हिस्टोरिकल चंद्रगुप्त, तो उसने बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दिया था. और उसके बाद फिर मैंने जिस तरह के शोज किए जैसे रंगरसिया के, तो इट वॉज अगेन अ वेरी एक्शन पैक्ड रोल. और वो एक बड़े स्केल पे शूट होना, बड़ा उसका कैनवस होना, सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मेकर्स थे ना टीवी के, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स नाउ, उनको ना कहीं मुझ पर ऐसा भरोसा आने लगा कि हाँ वी कैन माउंट अ शो ऑन हिज शोल्डर्स एंड हम उतना उतना बड़ा कैनवस उसके कंधे पे छोड़ सकते हैं. सो आई थिंक दैट फेथ काइंड ऑफ वर्कड इन माई फेवर. और इसलिए फिर वो, क्योंकि माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल बड़े कैनवस पे शूट होते हैं हमेशा, उनमें ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और फ्रॉम चैनल परस्पेक्टिव से मार्केटिंग कॉस्ट भी ज्यादा होता है उनका. तो बिजनेस एस्पेक्ट से वो चीज शायद उनको समझ में आती थी कि हम माउंट कर सकते हैं शो ऑन हिज शोल्डर्स, एंड वो कहीं ना कहीं आई थिंक वर्कड इन माई फेवर. सेकेंडली यह जैसा आपने बोला कि यार वो सब कैनवस इतना बड़ा, आई थिंक आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द कैनवस ऑफ द शोज रादर देन एनीथिंग एल्स. तो कैनवस इतना बड़ा होता है ना, मजा आता है फिर काम करने में. हाँ एग्जैक्टली तो मतलब अभी टीवी से तो आपको ब्रेक लेते हुए देखेंगे हम, ओटीटी पे शायद ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और मूवीज में। हाँ आशीष हाँ बताओ अभी मतलब थोड़ा। ब्रेक तो हो ही गया है अब यार, मतलब इतने 3 साल तो हो गया, मतलब अच्छा खासा ब्रेक हो गया अब. अच्छा 3 साल में मतलब कितने और मतलब आए थे ऑफर्स? नो डाउट आपको तो आए होंगे बहुत सारे, अभी भी आपने आते नाम भी रहते बोला हैं यार होगा। एवरी मंथ. हाँ, एवरी मंथ आई गेट लॉट ऑफ ऑफर्स. एंड प्लस वो कहते कि ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल द मेकर्स आर फ्रेंड्स नाउ, सो वो उन लोगों को जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि हाँ वो अभी नहीं इस तरह का कुछ करेगा नहीं, और जो लोग नहीं है फिर दे कीप ऑफरिंग आपको. बट हाँ आता है यार हर महीने कुछ ना 2-4 अच्छे अच्छे शोज वो जो बन रहे होते हैं, नए मतलब नया जो भी कोई बना रहा होता है वो ऑफर तो कर ही देते हैं, क्या कर लो. बट देन आपको कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं यार. नाग नागिन में इंटरेस्ट नहीं है? आपको नाग नागिन या ऐसे कुछ इसमें सुपर? देखो नाग नागिन ना बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है अगर देखोगे तो, पर हाँ वो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है. बट वैसे अगर देखोगे तो नाग नागिन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, मतलब फैंटेसी और ये चीजें ना बड़ी बड़े अच्छे तरीके से अगर बनाई जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग होती अच्छा मतलब सुपरनैचुरल को भी तरीका होना चाहिए मतलब बनाने का, आपका कहने का मतलब है. ये यस है यस कि कैसे आप उसको 100% 100% मैनिफेस्ट। यार, सुपर नेचुरल का तरीका होना ही चाहिए. सुपर नेचुरल खराबी तब लगता है जब आप उसको अच्छे से ट्रीट ना करें, अगर अच्छे से ट्रीट कर सुपर नेचुरल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. बाहर की कितनी फिल्में आती हैं सब देखते हो ना जाके. ओके अच्छा एक एक और टीवी का आपसे ऐसे पूछूंगा एक सवाल, ये टीवी का एक सबसे कंट्रोवर्शियल शो था बिग बॉस, आप देखते थे कि नहीं? नहीं यार मैंने नहीं देखा इस बार, तो एक बार देखा था क्योंकि शायद मेरा फ्रेंड था उसमें विशाल, तो वो कुछ उसकी वजह से चक्कर में देखा था मैंने, अदरवाइज तो मैं नहीं देखता हूँ. अच्छा हाँ आप तो अभी क्या ये मतलब नहीं देखते आप? नहीं नहीं यार नहीं, मेरे को ऐसे वॉयरिज्म में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं. आप आपकी थोड़ी सी सोच अलग है पता है।
तो बाकी ये बाकी सब ठीक है, और फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? यार फैंस को क्या बोलूं मैं, दे आर सच लवली यू नो सपोर्ट फॉर मी, ऑलवेज बीन देयर, और हमेशा कुछ भी जो भी करता हूँ उसमें वो अपनी तरफ से ही दे कम सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसेंटली दे मेड अ ट्रेंड और उन्होंने ट्रेंड कर लिया अपने आप ही ट्विटर पे कुछ कुछ करके. सो आई वॉज रियली हैप्पी, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच काइंड ऑफ फैन, सच काइंड ऑफ सपोर्ट, सच काइंड ऑफ एडमायरर्स ऑफ माई वर्क. और बस की डर लगता है और जिम्मेदारी कहीं उनके जो उनका जो विश्वास है मुझने उसको मैं नीचा ना करूँ कभी किसी भी काम पे, और आई थिंक दैट काइंड ऑफ गिव्स मी बूस्ट ऑल्सो. सो बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बींग देयर एंड सपोर्टिंग मी, एंड मच लव. एक लास्ट क्वेश्चन है जादे, यानी आपका कोई ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर है जो आपको प्ले करने करना है या आपने कर लिया है, ऐसे कुछ आप चाहते हैं पर्सनली? क्योंकि हर किसी का एक वो होता है कि नहीं, मुझे एक ऐसा नहीं आइकॉनिक किया कैरेक्टर। तो आइकॉनिक कैरेक्टर ऐसा मतलब किसी को देख के मैं वैसा करना चाहूँ तो पता नहीं, बट हाँ हमारा जो दो चीजें हैं मैं बहुत करना चाहता हूँ और शायद एक चीज मैं बनाना भी चाहता हूँ. दो चीजें हैं, एक शरद चंद्र की किसी भी नॉवेल से कोई भी अच्छा सा कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम देवदास, एंड एक कोई हमारा इंडियन सुपर नेट इंडियन सुपर हीरो, हमारे मिथोलॉजिकल इंडियन सुपर हीरो अगर हम क्रिएट कर सकें तो वो मैं प्ले करना चाहता हूँ, या शायद रादर बनाना चाहता हूँ. अच्छा, मतलब आपको बनाना भी पसंद, मतलब मेकिंग में भी? हाँ हाँ या ओके, तो मतलब ठीक है, जल्द आपको ये भी देखेंगे हम, आपका ये भी रूप देखेंगे कि मतलब एक्टिंग के साथ साथ जय मेकिंग हो जय हो. होगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बॉम्बे आओ तो थैंक यू मिलते आशीष. हैं जरूर, टाइम निकाल के। डन पक्का डन डन, पक्का पक्का पक्का, लेट्स डू अ फेस टू फेस देन. पक्का पक्का, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, पक्का क्या, थैंक यू डियर, थैंक यू, बाय, बाय। चीयर्स.